जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उस्ताफ सुल्तान फ्रेंड्स आज जिस फार्म पे मैं मौजूद हूं ये फार्म पाकिस्तान का वन ऑफ़ द बिगेस्ट डेयरी फार्म है इस फार्म पे तकरीबन तो 800 के करीब जानवर हैं और जिसमें से 500 के करीब जो हैं ये बफलोज़ हैं तो आज की वीडियो में आपको इस फार्म का विज़िट करवाते हैं और यहाँ के जो फार्म मैनेजर हैं डॉक्टर उस्मान साहब उनसे मिलवाते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इन भैंसों को मैनेज करने के लिए कितने बंदे इन्होंने रखे हुए हैं और इनकी डाइट प्लान क्या है इनको क्या खिला रहे हैं वनडे में क्या दे रहे हैं और इस फार्म पे क्या क्या मसाइल आ रहे हैं और उनको किस तरह से हल किया जा रहा है तो आइए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास जी सामक डॉक्टर साहब जी वालेकुम अस्सलाम सर इससे ज़्यादा जी सर टोटल छोटे बड़े डाल के पाँच सौ के करीब हमारे पास आ, तो दार्ट दार्ट जी जी तो इनकी देखभाल के लिए आपके पास कितने मुलाजिम है यहाँ पे सर इनकी देखभाल के लिए ये जो हमारी मिल्किंग वाली बैंस है ने जो होती है, है जी उनके, उनके लिए हमारे पास। अच्छा। हर ग्वाला जो, जो है ना उसकी चुवाई करता है जो भी उसका फॉर्डर होता है उसने करना है उसकी सफाई उसकी ट्रीटमेंट उसकी ब्रीडिंग उस ग्वाले की हेल्प के साथ हम लोग करते हैं जी उसने दो टाइम इनकी चुआई करवानी है और सतारा के करीब सर वो वर्कर है जो चुआई को मैनेज करते हैं जी अच्छा। उसके बाद सर जो है हमारे पास यहाँ पे ये जो प्रेगनेंट और ड्राई सेक्शन है तीन बंदे इन, इन एनिमल पे हैं सर ये 62 के ये हैं अच्छा। के करीब जानवर है और फोर्टी के करीब उधर हमारे पास हैं तो जो ये जो जो सर मिल मिला के कोई हमारे पास पच्चीस के करीब लोग ऐसे हैं जो इन बफलोज की देखभाल करते हैं जी अच्छा जबरदस्त जी सर तो डॉक्टर साहब इनको ये जो सारे जानवर है सर इनको आप फीडिंग क्या करवा रहे हैं सर इनके फीडिंग जो है सर इसको हम कंसनट्रेट देते हैं वा और उसके साथ सर हम इनको तूड़ी और जब बरसीम का सीजन होता है तो बरसीम और अब मकई का सीजन है तो अब मकई का साइलेज है जी और जी उसके जी साथ ये पिछले दिनों में चिकंदर जो गुजर के गया तो बीट पल्प जो है वो सर हम लोग इनके लिए यूज करते हैं जी और साथ में सर जो है इनको तूड़ी वंडा और ये चीजें तो रूटीन में सर चलती है इनके साथ। अब तो इनशाला मतलब तूड़ी तूड़ी है वो चलती रहती है तूड़ी के बगैर आपको पता गुजारा नहीं है और ये बफलोज जो है ये तूड़ी पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है जी तूड़ी और वंडे पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है वंडा हम लोग अपना खुद बनाते हैं फार्म पे हमारी फार्म की अपनी फीड मिल है जी उसकी फार्मुलेशन हम लोग खुद करते हैं और उसके साथ जो है तूड़ी जो है वो मार्केट से परचेज करते हैं बाकी सारी चीजें जो है वो भी मार्केट से सर परचेज करते हैं और जी, वो जी, इनको ऑफर करते हैं सिंपल तो सा फार्मूला जो ना वो जरा बता दें हमारे नाजरीन को सर हम लोग जो है वो इनमें जो हमारे मेन इनग्रीडियंट उनमें मकई है जी फार्मूले जा... के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से जी सर मकई है जी कितने परसेंट तकरीबन सर ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन से ट्वेंटी परसेंट मकई जिसमें वेरी कर सकते हैं आप लोग अपने और इसमें सर गंदम का दलिया जी जी और ये थ... आपने ये कोशिश करनी कि ये जो ग्रेन्स हैं ये थर्टी परसेंट से अभाव ना जाए जी जी जो मतलब के आप चाहे वो गंदम का दलिया डाल डालने गंदम डाल या मकई डाल डालने जो भी ग्रेन्स आपके पास है वो मिला के वो थर्टी परसेंट से ऊपर ना जाए उसके बाद सर हम इनमें वो मूंगी का करा यूज कर लेते हैं दस से बारह परसेंट उसके साथ सरसों की खल यूज कर लेते हैं कोई सात से आठ परसेंट और उसके साथ सर एमओसी हम लोग यूज करते हैं मकई की खल वो यूज कर लेते हैं और जी इसके अलावा इसमें ऑयल यूज कर लेते हैं ऑयल हम लोग ये वन परसेंट के हिसाब से वन टू वन पॉइंट फाइव परसेंट जो है वो हंड्रेड के जी, जी। के जैसे पता है आपको स्टैंडर्ड फार्मुलेशन होती है जी जी उस उसमें, उसमें एक, किलो एक, एक या डेढ़ परसेंट के हिसाब से हम ऑयल यूज करते हैं उसमें नमक यूज करते हैं सर जी जी। मिनरल यूज करते हैं टॉक्सन बाइंडर यूज करते हैं और उसके अलावा सर उसमें मीठा सोडा जो है वो हम लाजमी यूज करते हैं क्योंकि एनिमल फीड खाता है और उसमें एसिडोसिस के चांसेस जो है वो नहीं होते जी, जी ये सर मेन इंग्रेडिएंट है और इनको फिर वेरीफाई करते जाते हैं इनको वेरी करिए कभी कोई ऊपर हो जाता है कोई नीचे हो जाता है मार्केट में अवेलेबिलिटी के हवाले से लेकिन मेन इंग्रेडिएंट यही है जिनके इर्द गिर्द जो है हैं, जो मतलब के अच्छा देने वाली हैं, उनको हम लोग दस किलो तक भी वंडा खिला देते हैं जी, जी, जी। और जो एवरेज बफलो है उनको हम साढ़े सात आठ के जी जो है वो चौबीस घंटे का वंडा डालते हैं और ये जो ड्राई सेक्शन है इनको हम लोग कोशिश करते हैं साढ़े तीन के जी कंसनट्रेट है उसके अलावा तूड़ी साइलेज वो अलहदा चीजें हैं जी साढ़े तीन किलो इनको डालते हैं ये जो नॉन प्रोडक्टिव एनिमल है जी जी और जो एवरेज प्रोडक्ट प्रोडक्शन में जिनका कोई दस से ग्यारह दूध होता है जी, जी उनको जी केजी तक हम लोग वंडा डालते हैं जी जी और ये जो 25 लीटर 20 लीटर प्लस वाले एनिमल हैं जो इस सेक्शन में है जी उनको जी हम लोग दस ग्यारह के जी जो है वो वंडा सर खिला देते हैं तो तोड़ी और साइलेज पे जानवर में कोई मसला मसायल तो नहीं आता सर तूड़ी और साइलेज पे जानवरों को कोई मसला नहीं होता आपके सामने सारे एनिमल है कोई आपको अनहेल्दी नजर आ रहा है जी प्रोडक्शन भी हमारी ठीक है एवरेज भी ठीक है जी अच्छा और अच्छा इनकी हेल्थ जो है वो भी बेहतरीन है आप देख सकते हैं ये नॉन प्रोडक्टिव एनिमल हैं जी सारे ये चोई अच्छा में अब नहीं है इनका आपको पता है कि थोड़ा सा हम लोग जो है वो फीडिंग जरा इनकी बजाय उनके जो मिल्किंग में उनसे थोड़ी सी कम होती है लेकिन ये भी जस्ट टूड़ी और वनडे पे इनकी हेल्थ जो है वो आप सर चेक कर सकते हैं जी बेहतरीन परफॉर्मेंस है इनकी। अच्छा जब साइलेज आप यूज करते हैं कितने परसेंट साइलेज होता है कितनी टूड़ी होती है सर जब साइलेज यूज करते हैं तब हम लोग 10 किलो साइलेज जो है वो एक टाइम ऑफर करते हैं 20 के साइलेज और उसमें सर हम लोग को डेढ़ से दो के जो है वो तूड़ी और सात से आठ के जो है वंडा वो हम लोग यूज करते हैं तो डॉक्टर साहब आपके फार्म पे यहाँ पे एवरेज क्या क्या आ रही है तो 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 जो के गर्मी भी तो गर्मी है। है, अब अब तो है जरा सर कम हुई है वैसे हमारे फार्म पे सर टेन लीटर की एवरेज वो जो जो कंडे पे नोट होती है जैसे मैंने आपको दिखाया जी जी रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो हम लोग एक एक बफलो का मिल्क जो है वो दो टाइम नोट करते हैं हमारे पास वेटर डॉक्टर्स हैं जो मतलब कि हर हर सेक्शन में वो जो है वो मिल्क रजिस्टर बने हुए हैं डे और नाइट का लहदा लहदा हम लोग दूध नोट करते हैं कंडे पे जी और वो साथ में अटेंडेंस भी हो जाती है जानवरों की अटेंडेंस में एनिमल पूरे हैं जी और साथ में उनकी मिल्क रिकॉर्डिंग भी हो जाती है और रिकॉर्ड का जो दूध था सर वो टेन के जी नाइन पॉइंट के जी राउंड अबाउट जो है सर वो हमारी एवरेज है वो कंडे की है उसके अलावा सर सौ के करीब हमारे पास मिल्किंग काव भी हैं जो सकलिंग काव है वो जो हमारे काव पेन है हर खाते में है वो आपने देखे हैं जी तो वो उनके अलावा है ये टेन के जी एवरेज जो है नाइन से टेन मतलब बच्चों को दूध छोड़ के छोड़ने के अलावा ये जो हम लोग अपने तो ताला ये, तो ये हमारी इलेवन के जी के करीब और इसमें सर ऐसे ये जो वन एटी के करीब अब हमारे पास एनिमल चुआ में और उसमें ऑलमोस्ट हंड्रेड प्लस एनिमल जो है वो हमारे प्रेगनेंट भी है जी तो चूंकि मैंने देखा यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है कितना हाईएस्ट अगर पूरे सुबह का

मतलब के जब फीडिंग का टाइम होता है मिल्किंग का टाइम होता है तब हम लोग इनको मिल्किंग में ले आते हैं फीडिंग पे ले आते हैं और रात को बाहर रा आ जाती हैं और दिन टाइम जो इनको, इनको पास फ्री आवर्स होते हैं जी जी। उनमें हम लोग इनको तालाब में छोड़ देते हैं तालाब में डेली ताजा पानी होता है जी, जी, जी। और उसको हमारे ड्रेनेज सिस्टम भी है बैक साइड पे फसलें हैं डेली पानी हम लोग चेंज करते हैं जी दिन टाइम चलाते हैं रात और रात को निकाल देते हैं जबरदस्त जी सर तो ठीक हो गया तो डॉक्टर साहब यहाँ पे दूध का रेट क्या चल रहा है सर दूध का रेट जो है सर वो हम फार्म के डोर पे जो है वो टू हंड्रेड टेन के पे सेल करते हैं दो सौ दस दो सो दस रूपए और ये जो मार्केट है वो हम लोग पे पे सेल कर रहे हैं मार्केट बफलो का जो है का का जो है, ये तो, जो, जो काौल है, काौल का वो सर वन फिफ्टी वन फिफ्टी फाइव पे हम लोग सेल कर रहे हैं जी, जी। लोकल जो फार्म के गेट पे है और अगर जो बल्क अमाउंट में जा रहा है सर वो वन फोर्टी के राउंड बोट उसको जी ठीक हो गया तो डॉक्टर साहब फार्मिंग जो है इसको होना बहुत मुश्किल समझा जाता है सबसे जरूरी बात तो यह है सबसे पहले तो अच्छी नस्ल की जिसका ठीक ठाक दूध हो देखें खाना उसने भी उतना ही है जितना लो प्रोड्यूसर एनिमल ने खाना जी अच्छी नस्ल की भैंस ले आए अगर आप अच्छी नस्ल की भैंस ले आए हैं तो उसको अच्छी फीडिंग करें जैसे मैंने आपको बताई है जो हम लोग फीड कर रहे हैं और फीडिंग के बाद सर आप अच्छी फीडिंग करते हैं अच्छी प्रोडक्शन देते हैं तो फिर नेक्स्ट जो है उसको अच्छा सीमन रखवाएं और अच्छा सीमन रखवाने के बाद उसको तो जो अच्छे जोटे के साथ उसको कंसीव करवाएं ताकि उसकी जो है वो आने वाली झूठियाँ उसके काव्स जो हैं वो बेहतरीन हो ताकि उनकी जो है वो हमारे पास वो नस्ल ब नस्ल उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जाएगी जी। तो ये दो तीन चीजें सर वेरी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले अच्छी नस्ल की भैंस हो उसकी अच्छी फीडिंग हो उसके बाद उसकी ब्रीडिंग प्रॉपर हो ब्रीडिंग के बाद सर उसकी प्रॉपर केयर हो और ये सर सारा उसका तरीकाकार है उसकी टीट उसकी ईच एंड एवरी को डेली मोनिटर किया जाए जी जी जाएगी बफलो बहुत हार्ड एनिमल है बहुत इसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जी इतनी जल्दी इसमें कोई बीमारी आती नहीं है और दूसरी बात यह कि अनफॉर्चुनेटली अगर कभी आ भी जाए तो वो इतनी जल्दी फिर जाती भी नहीं है जी

जैसे पंजाबी में कहते हैं कि डोके डालने की आदत होती है जी, जी, जी। मिल्क के बाद वो फिर मिल्क लैकडाउन कर लेती है जी जी। और फिर आपको पता है कि 12 घंटे बाद उसकी चुआई होनी होती है जी जी। तो उसमें ये है कि उसकी प्रॉपर और कंप्लीट मिल्किंग हो और जब कोई केस आए तो उसको फौरी तौर पे सर जो है वो ट्रीट किया जाए जी और अग्रेसिव ट्रीटमेंट की जाए तो देन सर वो क्योर हो जाता है एक तो इनका ये है कि मस्टाइटस का इशू है बाकी सर खाने पीने में मेरे पास कभी कोई इनडाइजेशन का केस कभी भी नहीं आया कभी कभार शाजो नाजर आ जाता है जी और रिपीट ब्रीडिंग का भी कभी कभार आ जाता है जी इतना ज्यादा है। नहीं होता कम होता है जी लेकिन यह मेनली इनके पास मस्टाइटस ही है जी साड़ू का जो है ना साड़ू है वो हाँ, ही है वो ज्यादा है उसके अलावा जो आपने इन मिल्किंग बताई है हाँ इनप्रॉपर मिल्किंग में और उसमें सफाई है जी आपकी सफाई का खास ख्याल होना चाहिए और जो है वो टीट्स को डेली चेक किया जाए उनपे कोई कट्स तो नहीं है जहाँ से बैक्टेरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो सके और अगर बच्चा दूध पीता है तो उसको चेक करें कि वो उसको डैमेज ना कर दे टीट को इसकी सर प्रॉपर केयर जो है ना जो ग्वाल आपका मिल्क मैन है ये सारा उस पर डिपेंड करता है और इसमें सर यह प्रॉपर मस्... मस्टाइटस ना आने की वजह ब्रीड भी है कुछ इस तरह की होती है कि वो उनमें कभी नहीं आई और कोई ऐसी होती है कि जिनको ट्रीट करते हैं महीने रोल है परचेजिंग के वक्त उसकी माँ का रिकॉर्ड पता कर लें उसकी ब्लड लाइन का रिकॉर्ड पता कर लेटस के इश्यूज ज्यादा तो नहीं आते अगर आते हैं तो सर वो आपको परेशान किए रखेंगे पूरी हुआ है वो